हाँ जी नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे अक्टूबर माह में मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, सेहत कैसी होगी, धन संपदा की क्या स्थिति है, पराक्रम कहाँ करेंगे, भूमि भवन वाहन संबंधी कोई फायदा या नुकसान तो नहीं हो रहा है, प्रेम संतान एजुकेशन का की क्या स्थिति बन रही है, कोई सत्तु तो परेशान नहीं कर रहा, कहीं ऋण रोग तो नहीं आ रहा है, दाम्पत्य जीवन में क्या हाल है भाई, मैरिज लाइफ ठीक ठाक चल रही है ना, इसकी बात करेंगे, आयु संबंधित कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, धर्म की यात्रा बन रही है क्या, भाग्य सपोर्ट करेगा, नौकरी में क्या हाल है, पिता संबंध कैसे रहेंगे, सरकार से कैसे संबंध बनेंगे, कामनाओं की पूर्ति कहाँ हो रही है, लाभ कहाँ से कमा रहे हो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और खर्च कहाँ कर रहे हो। तो चर्चा स्टार्ट करें इसके पहले अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका चैनल है ज्योतिष मंजरी, बात नक्षत्र तक की करता है, नक्षत्रों तक की बात होगी इस चैनल पे। तो आपकी मेष लग्न मेष राशि, मेष लग्न मेष राशि मतलब अश्विनी भरणी और कृतिका, तीन नक्षत्रों से आपकी स्टार्टिंग होगी। तेज हैं आप, गतिमान हैं, भरण पोषण करने वाले हैं और सूर्य की तरह चमकने की क्षमता रखते हैं। तो आपका सबसे बड़ा गुण क्या है, निरंतर काम करते रहना सबसे बड़ा गुण है। हव गुण क्या है, जल्दबाजी, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, धैर्य के साथ काम करिए ना, उतावलापन किस लिए, बस इसका ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ठीक ही दिखाई दे रहा है आपका। आपके 16 अक्टूबर तक मंगलदेव आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस में चल रहे हैं, मतलब वृषभ राशि में चल रहे हैं। तो कृतिका में रोहिणी में मृगशिरा, मृगशिरा अपने ही नक्षत्र में चलेंगे, तो अपने नक्षत्र में मंगल महाराज का जो गोचर है वो निश्चित रूप से लिए आपके लिए लाभकारी है, लाभ देने वाला है, ठीक है। इसके पश्चात मंगल महाराज थर्ड हाउस में जाएंगे, थर्ड हाउस में मृगशिरा में ही गोचर करेंगे, तो आपका पूरा माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अभी थोड़े से आप आलसी हो सकते हैं, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद आप गतिमान होंगे, थोड़ी सी गति ज़्यादा पकड़ लेंगे। हाँ, यहाँ बंधु बांधवों के साथ जो संबंध हैं, तारतम्य है, उनको बेहतर रखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे संबंध थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में प्रवेश करेगा तो पराक्रम की अधिकता करने की कोशिश करेगा, मतलब आपके अंदर दूसरों को लेकर अनुशासन ज़्यादा रहेगा, हम स्वतः करें या ना करें तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरह की बातें आएंगी, तो ध्यान रखिएगा। मंगल की जो दृष्टि है अभी वर्तमान में, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, दृष्टि अष्टम भाव पे है, तो आयु संबंधित आपको लाभ होगा क्योंकि अपने ही घर पे दृष्टि है, ठीक। चतुर्दृष्टि सूर्य के घर पे है, तो सूर्य के घर पे चतुर्दृष्टि होने से एजुकेशन का लाभ, बच्चों का लाभ, सारा लाभ ही लाभ है। और नव अष्टम दृष्टि भाग्य के घर पे होने से भाग्य का लाभ है, तो दृष्टियुक्त संबंध भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन यही जब तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी चौथी दृष्टि जो होगी वो कन्या पे होगी, शत्रुघ्न संहारक होगी, तो ठीक है दृष्टि। और सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी, तो बोलते हैं पुरुषार्थी बनो, गुरु की मूल त्रिकोण राशि पे होगी तो पुरुषार्थ से भाग्योदय कराएंगे। और अष्टम दृष्टि उच्च की होगी, कर्म पथ का विस्तार होगा, तो मंगल 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 कर रहे हैं आपके लिए, कोई डाउट नहीं है। मंगल के बाद आपकी कुंडली में शुक्र महाराज सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, महत्वपूर्ण पैसे के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है, द्वितीय हैं, सप्तमेश हैं। ऐसे जो शुक्र महाराज हैं वो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कन्या राशि में प्रवेश, कन्या राशि में उनका गोचर हो रहा है, तो कन्या राशि में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा फल नहीं देने वाला है। ये कन्या राशि में एक तो शुक्र महाराज अच्छा महसूस नहीं करते, और दूसरा खष्टम भाव में चले जाएंगे, छठ में चले जाएंगे, सातवें का स्वामी अपने से द्वादश चला जाएगा, द्वितीय का स्वामी छठवें में चला जाएगा, तो धन हान हो जाएगी। इस बीच किसी को पैसा आप दे रहे हैं तो पैसा वो लौटाएगा नहीं, तो पैसा कम मात्रा में ही दें या ना दें तब भी चलेगा, क्योंकि जो संबंध सिर्फ पैसों पे टिका है वो संबंध आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा, ठीक है ना, आज नहीं तो कल वो टूट ही जाएगा, तो उनको पैसा ना देना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा, ठीक। सप्तमेश अपने से द्वादश है, तो जीवन साथी के साथ जो संबंध है उनको बेहतर रखने की कोशिश करिए। यहाँ पे सूर्य के साथ प्रॉपर तरीके से युति इनकी मिलेगी स्टार्टिंग में,
उसके बाद सूर्यदेव सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो परेशानी की स्थिति बन रही है आपके दाम्पत्य जीवन को लेके, आपके व्यापार को लेके, यहाँ पे आपके साथ लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, थोड़ी चीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शुक्र को मजबूत तो आप कर नहीं सकते, शुक्र आपके लिए डबल मार्केस हैं। शुक्र के मंत्रों का जाप करना श्रेयस्कर होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपका जीवन साथी है जी। तो यहाँ पे जीवन साथी के रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है, आपके मुख में विकार आ रहा है या मुख में आप नशे की इत्यादि चीजें डाल रहे हैं, कुछ नशा करते हुए आप प्रतीत हो रहे हैं, शुक्र आपको नशा करा देगा। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो नशेड़ी हैं, ठीक है ना। अब शुक्र महाराज यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी हस्त और चित्रा तीन नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे, तो जब ये चित्रा में जाएंगे तब थोड़ी सी बिगड़ने की स्थिति ज़्यादा बनेगी, ठीक। हस्त में कंट्रोल में रहेंगे, हस्त में कंट्रोल में रहेंगे, तो आप समयानुसार देख लीजिए। शुक्र के मंत्रों का जाप करना आपके लिए श्रेयस्कर है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः या श्री सूक्त का पाठ करना भी आपके लिए श्रेयस्कर है। यहाँ पे धन संबंधी परेशानी हो रही है, व्यापार में आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये ईमानदारी की बात है। बकाया आप मैं कह दूँ कि धरती फोड़ के निकलेगा सोना, ऐसा होने वाला नहीं है। बुध महाराज आपके पराक्रम के स्वामी हैं और खष्टम भाव में सुग्रही गोचर कर रहे हैं वक्री होके। खष्टेश का खष्टम भाव में गोचर करना एक योग प्रद है। अगर आप प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो यह निश्चित रूप से आपके लिए योग प्रद है। खष्टम भाव किसका है? प्रतिस्पर्धा का है। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा में आपको लाभ होगा, बंधु बांधुओं से लाभ होगा, शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बुध की गोचरी स्थिति बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आपको कार्य कराते हुए आगे बढ़ रही है और बुद्धिमान होने की वजह से आपके सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। शुक्र महाराज के बाद आपके कुंडली में चंद्र महाराज हर ढाई दिन में गोचर कर दे रहे हैं, तो सुख आपको देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, प्रेम के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं, और पंचम भाव मंत्री पदत्व होता है, बुद्धि से तो मंत्री पद मिलता है। तो ऐसे सूर्यदेव खष्टम भाव में कर चुके हैं गोचर। अब इनका खष्टम भाव में जो गोचर है वो थोड़ा सा आपको तकलीफ देने वाला होगा। यद्यपि सूर्य बुधादित्य योग में है लेकिन बुधादित्य योग का आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि खष्टम भाव में सूर्य का जाना आपके उदर को खराब करेगा। अब उदर के साथ साथ आपकी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी कम काम करना शुरू करेगी, बुद्धि आपकी जो विश्लेषण शक्ति है वो प्रभावित होगी और आप शत्रुओं के जाल में उलझ सकते हैं। संतान भी आपका कहना कम मानेगी, प्रेम भी आपके अंगेष्ट जा सकता है। तो उत्तर फाल्गुनी में ये चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसे हस्त नक्षत्र में जाएंगे तो आप भावना के वश में बुद्धि को दरकिनार कर देंगे, ठीक है ना। इमोशनली आप अपने ऊपर अत्याचार करेंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने निर्णय शक्ति को समझना होगा, परखना होगा, उसके बाद काम करना होगा, तब आपके काम बनेंगे, नहीं शत्रु के जाल में उलझ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, माणिक पहनना श्रेयस्कर है, सूर्य की उपासना करना श्रेयस्कर है। एक अनार लीजिए, फाड़ के आधा घंटा सूर्य की रोशनी में रखिए, खा लीजिए, लाभकारी होगा आपके लिए। आपके कुंडली में मंगल महाराज की चर्चा हो चुकी, गुरु महाराज, गुरु महाराज द्वादश भाव और नवम भाव के कारक हैं। अब ऐसे गुरु जो द्वादश और नवम के कारक हैं वो द्वादश में ही चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? द्वादश में, उत्तर भाद्र पद नक्षत्र में चल रहे हैं और वक्री ही है, क्या अक्टूबर में पूरे वक्री ही मिलेंगे, तो वक्री है और शनि के नक्षत्र में वक्री हैं। तो वक्री होने का तात्पर्य है, पहली चीज तो द्वादश का स्वामी सदैव अपने दूसरी राशि का फल देने के लिए कृत संकल्प है, शास्त्रीय नियम है, दूसरा राशि को फल देना ही पड़ेगा। दूसरा, गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है, इसलिए गुरु धनु राशि का फल देना चाहेंगे, सीधी सी बात है। तो आपके लिए पुरानी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, पुराने बैंक बैलेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, पुराने लोगों का आशीर्वाद को कनेक्ट कर रहे हैं। तो गुरु तो आपके लिए शुभ फल देने ही वाले हैं, गुरु बुरे फल नहीं दे सकते। शनि महाराज भी वक्री हैं, अच्छा शनि वक्री, गुरु वक्री, बुध वक्री, तीन ग्रह वक्री हैं इसमें। तो शनि का जो वक्रत्व है वो कर्म भाव में है, पिता के घर में, सरकार के घर में है। वक्री शनि पिता से लाभ देगा, सरकार से लाभ देगा और
कर्म के क्षेत्र में प्रगत कराएगा। ऐसे शनि अक्टूबर में ही मार्गी हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं अक्टूबर में, तो आप मार्ग पे आ जाओगे। अगर आपके मार्ग खो रहे थे तो मार्ग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। राहु महाराज आपके लग्न में भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, भरणी मतलब शुक्र के नक्षत्र में, तो राहु तो भरण पोषण की ओर बढ़ रहे हैं। राहु कहते हैं बेटा खूब काम करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, कोई सपोर्ट करे या ना सपोर्ट करे। केतु महाराज तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखेगा, जीवन साथी के साथ के साथ को लेकर तरस जाओगे। ये जो वियोग है विशेष योग के लिए है। स्वाति मतलब हीरे को तराश देने वाला, कोयले को तराश कर हीरा बना देने वाला नक्षत्र है स्वाति। तो आप तराश से जा रहे हो, क्या करे जा रहे हो, तराश से जा रहे हो। आपकी कुंडली में सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो बुधादित्य योग का फायदा क्या मिलेगा कि आप शत्रुओं पे प्रभावी रहेंगे, शत्रुओं पे प्रबल रहेंगे। आपके शुक्र महाराज का भी गोचर मैक्सिमम टाइम यहीं पे हो रहा है, तो शुक्र महाराज आपके 19 अक्टूबर तक यहाँ पे हैं। 19 अक्टूबर के बाद वो तुला में प्रवेश करेंगे, तो 19 अक्टूबर तक अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। सूर्य शुक्र की युति संबंधों को तार तार कर सकती है। शुक्र बुध की युति आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग दे देगी, अगर आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम कर पाए तो। अब यहाँ पे शुक्र को बल देने के लिए आपको शुक्र का रत्न नहीं पहनना है, शुक्र के मंत्रों का जाप करना है। और जैसे शुक्र महाराज सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपका व्यापार फिर से प्रगति पकड़ना शुरू कर देगा। तो 19 अक्टूबर के बाद आपका व्यापार निश्चित रूप से प्रगति पकड़ रहा है। मंगल भी आपके ठीक है, सूर्यदेव थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, बुध के साथ शुक्र नीच के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चूंकि बुध यहाँ पे बैठा हुआ है उच्च का है तो निम्न भंगराज योग कन्वर्ट कर देगा, मतलब विशेष परिस्थितियों में योग प्रद हो जाएंगे, परेशान तो होंगे, अचानक परेशानी का हल निकल आएगा। तो मंगल की रश्मियों को ठीक करने के लिए हनुमान जी की उपासना करिए, मंगल के मंत्रों का जाप करिए। सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करना श्रेयस्कर है, उधर खराब हो सकता है, प्रेम में चीटिंग हो सकती है, संतान आपके विरोध में खड़ी हो सकती है, इसलिए आदित्योत का पाठ करना, एक अनार धूप में रख के उसका खा लेना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। जीवन साथी संबंध अच्छे रहे, शुक्र के मंत्रों का जाप करिए, गाय को कंटिन्यू रोटी